हम लोगों ने जब क्रिकेट टीम में खेलना स्टार्ट करी तो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस इतने नहीं हुए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा जब मैं 2007 में इंडिया गया था, जब मेरा डेब्यू हुआ था, तो मैंने देखा कि उसके बाद 2008 में इंडिया पाकिस्तान आई एशिया कप खेलने के लिए, तो पाकिस्तान के और इंडिया के जो प्लेयर्स के ताल्लुकात थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैच में जो भी होता था वो मैच के अंदर होता था, लेकिन मैंने बाहर देखा है कि हमारे और इंडियन प्लेयर्स के ताल्लुकात जो है हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब ये हो गया है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी बायलैटरल सीरीज नहीं होती है, हम सिर्फ वर्ल्ड कप के इवेंट में मिलते हैं एक दूसरे से, तो आजकल तो इतना रिलेशन नहीं है। या शुएब भाई अभी खेल रहे हैं, हाफिज भाई हैं, उनके पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं मालूम कि किस प्लेयर के कितने अच्छे, लेकिन मैच के अंदर जब भी होते ऑब्वियसली दोनों टीमें अपने अपने मुल्क के लिए खेलती हैं, लेकिन मैच के बाद जब भी मिले हमेशा बहुत अच्छे से मिले हैं। और जहाँ तक रही बात चैंपियंस ट्रॉफी की और कमबैक की, देखें चैंपियंस ट्रॉफी तो एक ऐसा मोमेंट है कि हर लड़का जो भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलता है वो चाहता है कि उसके करियर में या उसकी लाइफ में एक ऐसी अचीवमेंट हो जो कि हमेशा जिंदगी भर याद रखी जाए। तो हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें वो मौका दिया कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ अचीव किया, और वो ऐसी मेमोरी है जो कि लाइफ टाइम मेमोरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लड़के अभी टीम में खेल रहे हैं अल्लाह ताला उनको दोबारा एक और ऐसा मौका दे कि वो पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी जीत के लेके आए। आमीन। और क्रिकेट का कोई आइडियोलॉजिकल फुटप्रिंट नहीं, देखिए जब ओबीसी जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट करी तो मोहिम भाई को फॉलो किया, और जब आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट में आए तो जिस तरीके से हमारी फील्ड की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, तो महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसी जो हम लोगों के लिए काफ़ी मिसाल छोड़ी कि जिसको आप एडमायर कर सकते हैं, जिसको आप सोच सकते हैं कि आप इनकी तरह बनना चाहेंगे। जब फिल्में देखने का शौक हुआ तो फिर सलमान खान को पसंद किया था। जब आप सलमान खान के फैन होते हैं तो उनके साथ अच्छी अच्छी इवेंट आती हैं। तो चलिए बता दें कौन सी इवेंट पसंद थी, बता दीजिए। छोटे बहुत सारे प्रोड्यूस किए हैं। अब इसी मेरी जो है वो जो पसंद कर लेते हैं कटरीना, कॉलेज वाले तो थे नहीं हम लोग, कॉलेज वाले हम लोग तैयार कर बैठे। कॉलेज गए, मैट्रिक तक अच्छी खासी पढ़ाई करी, लेकिन ये है कि फिर अब जहाँ मुश्किल पढ़ाई आई तो वहाँ छोड़ के भाग गए दिल्ली सेंटर में, जो है वो पढ़ा था सेंटर हमारा फर्स्ट ईयर था, तो तैयारी थी नहीं, हम समझे कि हो जाएगी पढ़े काम आ जाएंगे, लेकिन वो 3 बजे तक 4 बजे तक वेट किया गया, कोई मौका लगेगा लगेगा, लेकिन मौका लगाने के पेपर छोड़ा और फिर घर आता कैसे। वो फीस तो याद नहीं है, डेली वगैरह मिलती थी, लेकिन मुझे अच्छी ज़्यादा याद है जब मेरा किया इलेक्ट्रिक में पहली बार मेरा किसी डिपार्टमेंट में हुआ था तो मुझे 4600 पहली सैलरी मिली थी, 2004। अब पता नहीं उसको चोरी कहेंगे या क्या रहेंगे, बट जब प्रैक्टिस करने जाना होता था या कभी बिरयानी खानी है या आइसक्रीम वगैरह खानी है तो जो हमारे अब्बा थे उनकी कोठी में से बहुत सारे पैसे निकाल लेते थे। इसलिए हमारे घर में था रुझान जो था वो दीन का बहुत ज़्यादा था, और फिर समझ जाए जिनके तबलीग वाले अब्बा होते हैं किस तरीके से खुद लगाते हैं चप्पलों से, तो इसी तरीके से हम लोग भी बड़े हुए, कभी नमाज पढ़ने नहीं गए तो चप्पलें पड़ी हैं, बाल से खजीर के लेके जाया जा रहा है, तो बचपन हमारा इसी तरह गली में कूदते और खेलते हो गया। कुछ लोग बहुत लाइव क्रॉस करते हैं और दिल दुखाने वाली बात करते हैं, हमने जाते नहीं। कुछ लोग तो नहीं करते, सभी करते हैं। मैंने तो मजाक में कहा था, लेकिन आपकी क्या, आप कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि घर वाले भी होते होंगे, दिल दुखता होगा, बुरा लगता होगा। याद कर रही बात उस योनिंग की, तो देखें योनिंग मेरे ख्याल से ज्यादातर अगर आपने देखा होगा सभी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग कुछ लोगों से बहुत प्यार भी करते हैं ना, तो इसलिए खुल के तारीफ भी करते हैं, तो इंडिया से मैच भी आ रहा है तो बनता ही था। तो बाकी जहाँ तक रही सोशल मीडिया की बात, देखें लोगों के लिए बहुत आसान होता है कि वो उनके हाथ में मोबाइल है और जो है उसके बारे में जो है किसी के बारे में कोई भी प्लेयर के बारे में बात कर देते हैं। आई थिंक प्लेयर कभी भी कोई प्लेयर ये नहीं चाहेगा कि वो जानबूझ के गलत परफॉर्मेंस करें या गलत आउट हो जाए, लेकिन ये पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन अब क्या करें, सोशल मीडिया का दौर है, जिसके हाथ में आता है वो अपने चुनाव भेज देते हैं। मोमेंट तो बहुत सारे हैं छोटे कैरियर में, अल्लाह ताला ने बड़े ज़बरदस्त मोमेंट दिए हैं, अंडर-19 का वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, कुछ अपनी पर्सनल परफॉर्मेंसेज हैं, डेफिनेटली जो टॉप पे होंगी वो तो जो विनिंग ट्रॉफीज हैं पाकिस्तान के लिए वो बेस्ट हैं, लेकिन जो मेरी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंसेज हैं वो एक तो लॉर्ड्स में मेरी सेंचुरी है वो है, उसके अलावा वर्ल्ड कप में मेरा कमबैक अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वो है, उसके अलावा आज के दिन अगेंस्ट श्रीलंका हम लोग मैच जीते थे वो एक इनिंग है, और जो मेरा कमबैक में भी चौथे इनिंग में मैंने सेंचुरी करी वो बहुत ज़बरदस्त इनिंग मेमोरी है मेरी। मेरा एक सवाल है, आप चाहें तो जवाब दे लें चाहें तो जवाब ना दें, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स में
मेरिट के ऊपर लोगों को परखा जाता है, हमेशा मेरिट चलती है, या दूसरे भी कुछ वजूहत है जिसकी वजह से कोई कभी एक अजीब खिलाड़ी 3 साल 11 महीने 15 महीने के लिए बाहर हो जाता है कभी अंदर। इट्स अप टू यू टू आंसर दैट और नॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। हाँ जाफर भाई, आप कैमरा वही तरफ कर ले हैं ताकि आपको न्यूज मिल जाए। ये जियो से है, पाकिस्तान से आए हैं। मैरिट के जहाँ तक बात है, मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग थोड़ा हो जाता है, थोड़ा सा ये होता है कि 19 और 20 का फर्क हो जाता है। समटाइम जो है किसी प्लेयर को एक्स्ट्रा एज मिल जाता है, जो करंट खेल रहा होता है उसको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है उस बंदे के बनिस्बत जो कि टीम के अंदर मौजूद नहीं होता है। स्पोर्ट्समैन है तो आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। अगर आप नहीं गुजरेंगे, बहुत कम ऐसे लोग हैं, अगर हम आप लोगों की यहाँ पर फील्ड में भी ले लें तो सब लोगों ने कहीं ना कहीं जो है वो स्ट्रगल किया होगा। स्ट्रगल करने के बाद कोई अच्छा टाइम आया होगा, फिर हो सकता है कि कोई हर्डल आई हो। तो स्पोर्ट्समैन की लाइफ में सर अगर क्रिकेटर है तो ये सब चीज़ें सर आपको उससे गुजरना पड़ेगा। तो हम सब ओके होते हैं और कोशिश यही करें, मैं यही दूंगा कि यार बोलने से कोई फायदा नहीं है, अपने गेम पर फोकस रखें और अगर आपकी नीयत साफ होगी तो मंजिल आपको कहीं ना कहीं दोबारा जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।